अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले। तो आए चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। व्यूवर्स, मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg। यहाँ पे हमने चिकन ली है, 250 ग्राम हमने यहाँ पे चिकपीस लिए हैं यानी के छोले, ये मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। यहाँ पे हमें चाहिए 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 cup योगर्ट चाहिए यहाँ पे हमें, 1 cup टोमेटोज ले लिए हमने चॉप कर लिया है इसे। यहाँ पे हमने 2 medium size की प्याज ली है, हमने इसको हाफ मून कट शेप में कट कर लिया है। और स्पाइसेस में आ जाएं तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद तेज़पात लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4-5 लौंग और उतनी ही काली मिर्चें मैंने ले ली हैं, काला नमक 1 teaspoon, खटाई पाउडर 1 teaspoon, कश्मीरी लाल मिर्च 1 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, पिसा हुआ धनिया 1 tablespoon, यस अदरक पाउडर है, सौंठ का पाउडर भी इसको कहा जाता है, ये भी 1 teaspoon लेना है। नमक भी यहाँ पे मैंने 1 teaspoon लिया है, आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो आए अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 cup oil लिया है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब यहीं पे मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ जो मैंने कट करके रखी हुई थी पहले से। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो गई है, इसको हमें इसी तरीके से थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसके अंदर 1 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा फ्राई हो गया व्यूवर्स, तो अब हमने इसके अंदर जो अदरक लहसुन पेस्ट लिया था वो ऐड कर दिया और अदरक लहसुन को हमेशा 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है तो अब हम इसके अंदर जो हमने साबुत गरम मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर अदरक लहसुन की, बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। अब हम इसके अंदर ये जो तमाम मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे ये ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर 2 tablespoon पानी शामिल करेंगे। अब हम अपने मसाले जो हैं वो भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटर लिए थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो व्यूवर्स, दही को सबसे पहले हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए टमाटर के गल जाने तक ढक के पकाएंगे हल्की आंच पे। व्यूवर्स, आफ्टर 10 मिनट्स हम देखते हैं कि हमारे टमाटर गले हैं या नहीं। तो ये देखें, अच्छा सा हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया है बनके। अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लेंगे। हम इसके अंदर यहाँ पे जो हमने चिकन ली थी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। हमने हाई फ्लेम कर दी है, 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर 1/2 cup पानी शामिल करेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो ये देखें हमारी चिकन कुछ इस तरह की हो गई है, हमारा सालन रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर छोले शामिल कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। तो व्यूवर्स देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है
अब मैं इसके अंदर शोरबे के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन एक कप। आप जितना चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं शोरबे के लिए। हम साथ ही इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा जायका और खुशबू आती है सालन में। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हमारा मुर्ग छोले तैयार हो गया है, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी के साथ ही हमने बनाया है। तो आए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।